नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक नए नॉलेज के साथ फिर से हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज मेरे पास F&D का होम थिएटर आया है रिपेयर के लिए दोस्तों। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, कि इसको जब लाइन में लगाते हैं तो देखिए क्या होता है। और दोस्तों, इसके बारे में कोशिश करूँगा कि लाइव जो है कोशिश किया, मतलब आपके सामने जो है बनाते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। और दोस्तों देखिए, इसको जो है बजाय ऑन करके देखते हैं बसता है क्या नहीं बसता है। ये देखिए दोस्तों, ऑन हो गया है। और देखिए दोस्तों, इसमें जो है ये दोस्तों पिन ड्राइव भी जो है, देखिए दोस्तों इसमें भी जो है एकदम कभी कभी हल्का हल्का लाइट जलता है, नहीं तो नहीं जलता। ये भी मतलब शायद काम नहीं कर रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं दोस्तों। ठीक है, और आवाज़ भी नहीं आ रहा है, आउटपुट बेस उस कुछ नहीं बज रहा है दोस्तों, बस यूँ ही सिर्फ लाइन आ रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, इसको ओपन करते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और लाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको थोड़ा कर लेते हैं छोटा, और इसको करते हैं ओपन दोस्तों। ये दोस्तों, इसका मॉडल नंबर है A521। तो दोस्तों, मेरे चैनल में जो है इस टाइप का वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो मिलाते रहता हूँ। तो इस सब के बारे में कोई भी अगर बात हो, कोई भी दिक्कत हो, तो हमें कमेंट में जरूर बोलें, मैं आपका जरूर हेल्प करूँगा। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने आपका जो ये किट जो है दोस्तों, ये बाहर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये 2.1 है दोस्तों। और दोस्तों, ये जो है ये काफ़ी हीट हो रहा है, हीट सिंक जो है दोस्तों, ये काफ़ी हीट हो रहा है। तो देखते हैं दोस्तों क्या दिक्कत है इसमें। तो ये इसका कनेक्शन जो है दोस्तों, इसको खोले तो देख ध्यान में रखिएगा कौन कहाँ से खोल रहे हैं, नहीं खोल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपका जो है दोस्तों, ये पैनल का जो है दोस्तों, ये आपका पैनल का वोल्ट का है दोस्तों। ठीक है, इधर यहाँ से दोस्तों 12 वोल्ट जाता है, वहाँ से IC लगा हुआ है 78.05। ठीक है, तो उसमें पैनल में सप्लाई जाता है। ये आपका बूफर का है दोस्तों, और ये जो है दोस्तों कीबोर्ड का था दोस्तों, इसका था दोस्तों। ठीक है, USB सब का था दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जो SMPS है, तो देखते हैं क्या दिक्कत है दोस्तों। इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो बनाने में। दोस्तों, तो आपका ये रहा किट दोस्तों। ठीक है, किट में ही प्रॉब्लम होगा दोस्तों, और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, ये रहा दोस्तों किट जो है दोस्तों। इसमें दोस्तों देखिए दोस्तों, ये जो IC 20 दोस्तों, ये फटा हुआ है। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये फटा हुआ है। तो दोस्तों, पैनल में भी लाइन नहीं आ रहा था, आई मीन मेमोरी कार्ड जो डालते थे दोस्तों, ठीक है, कार्ड में, उसमें भी लाइन नहीं आता था दोस्तों। ये काफ़ी हीट भी हो रहा था दोस्तों। ठीक है, हीट अभी भी महसूस हो रहा है दोस्तों, हीट है। तो उसमें भी दोस्तों लाइन जो नहीं आ रहा था, तो ये SMPS वोल्ट जो है दोस्तों ड्रॉप कर रहा था, क्योंकि शॉर्ट कट गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसको जो है हम चेंज करते हैं। तो दोस्तों, इसको चेंज करने के लिए दोस्तों आपको जो है क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये टोटल चीज़ को खोलना पड़ेगा। इसको खोल के तब ये निकलेगा, तब इसका नट खुलेगा। तो दोस्तों, वीडियो बने रहे दोस्तों। दोस्तों, ये आसानी से खुल गया है। आप दोस्तों, इसका जो IC चेंज करना है, तो IC चेंज करने के लिए दोस्तों, ये आपको दोस्तों लाइव दिखा रहा हूँ, और बिल्कुल सिंपल तरीका से आपको बता रहे दोस्तों, इसमें कोई कन्फ्यूजन का बात ही नहीं है। तो दोस्तों, बस इसको आप खोलना है और दूसरा लगाना है। तो दोस्तों, ये रहा मेरे पास 20-30 IC दोस्तों। ठीक है, और ये थोड़ा अच्छा IC है दोस्तों, मतलब बहुत तरह का क्वालिटी आता है दोस्तों, तो मगर ये जो है थोड़ा अच्छा क्वालिटी का, ये टिकेगा भी अच्छा दोस्तों। तो इसको खोलना है दोस्तों। तो खोलने का नियम तो है दोस्तों, आप रिसोल्डर वायर से भी दोस्तों, ये रंगा जो है दोस्तों, ये सोल्डर जो है दोस्तों, इसको हटा के रिसोल्डर वायर से भी आप खोल सकते हैं, और नहीं तो जो है अगर नहीं है। ठीक है, और ऐसे हम लोग तो ऐसे ही खोलते हैं, मतलब ये तो पाँच ही पिन है दोस्तों। तो इसको क्या करना है दोस्तों, मतलब रिसोल्डर जो है दोस्तों थोड़ा कस के लेना है, कस के मतलब इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो दोस्तों थोड़ा ज़्यादा लेना सोल्डर। उसके बाद क्या करना है कि आपको जो है दोस्तों, देखिए थोड़ा नीचे करके मैंने कर देता हूँ, और सब में जो दोस्तों थोड़ा सटाना है,
और धीरे धीरे हल्का जो दोस्तों इसको इसको जो दोस्तों हल्का सा चिमटा को हल्का पुश ऊपर करना है तो आपका ऐसे भी खुल जाएगा। तो दोस्ती देखिए दोस्तों मैं ये खोल दिया मैंने, देखिए दोस्तों ये फटा हुआ है, अब गौर से देखिए ये तो फटा हुआ है दोस्तों। तो इसका जो है आप देखिए दोस्तों ये चेंज करेंगे तो ही ना पता चलेगा कि क्या बीमारी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो ये दिख गया है और मेरे ख्याल से ये इसको ही चेंज करने से हो ही जाएगा, नहीं होगा तो फिर देखेंगे आगे क्या दिक्कत है। तो दोस्तों ये जो है साफ हो गया है, अब दोस्तों ये आईसी को पहले बैठा देना है और इसमें अब ध्यान देना दोस्तों पहले नट ही लगाना है, ऐसा नहीं पहले सोल्डिंग कर देना है, ये कंडीशन ये नहीं करना है, आईसी को बैठा के उसके बाद नट लगा देना है, उसके बाद दोस्तों सोल्डिंग करना है। ये रहा सोल्डर, सोल्डर तो है ही जो भी इसे हटाएं। दोस्तों ये सोल्डर हो गया, सोल्डिंग हो गया दोस्तों सारा में। दोस्तों आपको ये चेक करना है कहीं दूसरे में पॉइंट सटा तो नहीं है, तो दोस्तों आप जो है इसको थोड़ा सा फ्रेश कर लेते हैं। तो दोस्तों अच्छा थोड़ा सा ब्रश मार देना है ताकि शोल्डर का जो है रंगा थोड़ा इधर उधर गया होगा तो हट जाए दोस्तों, ठीक है ना, तो शॉर्ट करने का प्रॉब्लम रहता है। तो देखिए दोस्तों ये जो आपका बोर्ड क्लीन हो गया है, अब क्या करना है, अब दोस्तों इसको जो फिट करना है, अब नॉर्मल से फिट करना है, ऐसा नहीं पूरा फिक्स कर देना है क्योंकि आगे कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर खोलिए फिर दोबारा मेहनत लग जाएगा। तो बस एक हल्का सा ये सिर्फ हम टाइट कर देते हैं यहाँ से, तो दोस्तों ये कर दिया मैंने। और एक नट जो है दोस्तों आपका यहाँ पे स्पीकर में लगा देते हैं, 4 पिन आउटपुट इनपुट जो है दोस्तों। तो दोस्तों हम अब इसमें जो बॉक्स में फिट करते हैं, तो दोस्तों ये रहा बॉक्स दोस्तों होम थिएटर का और इसमें फिट करते हैं। तो दोस्तों ये जो ये रहा दोस्तों ये फिट तो कर दिया मैंने, अब देखते हैं इसको लाइन देखें क्या होता है। तो दोस्तों इसको जो है आप सेट करते हैं, तो इसको प्लग को लाइन में डालते हैं दोस्तों। और दोस्तों थोड़ा जो है इसको हल्का सा हल्का लगा देते हैं वॉल्यूम पर प्रो नॉब को, ठीक है। अब जो है देखिए दोस्तों इसका लाइट भी जो है पूरा फुल जल रहा है दोस्तों, ठीक है, हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों अच्छा सा आवाज़ आ रहा है, दोस्तों देखिए ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और इससे रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर हमें कमेंट करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।